स्टूडेंट्स वी आर नाउ डिस्कसिंग सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हैज क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पैदा होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके सोर्सेस क्या हैं शॉर्ट सर्किट्स इज सोर्स, इज द फर्स्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट आर वन ऑफ द मैनी पोटेंशल्टल कैन काज एलक्ट्रिकल शॉप एनदर इज वाटर विच इज कंसिडरेबली डिक्रीज द रिजिस्टेंस मेटीरियल इंक्लूडिंग हमने अक्सर देखा है कि जब आप लोग किसी इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ लगाते हैं अगर आप बेल फुटेड हैं नंगे पाँव हैं या आपका हैंड कहीं और टच कर रहा है या कहीं आयरन की चीज़ को टच कर रहा है तो चांसेस है कि आप अर्थ ले सकते हैं वहाँ से और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो यही है कंटेक्ट विद अ अबेल वायर कैरिंग करंट आपने किसी करंट को किसी ऐसी केबल को हाथ लगाया जो कि नंगी थी यानी कि उसके ऊपर कोटेड नहीं थी लेकिन आपके जो पाँव थे वहाँ पर आपने शूज़ भी नहीं पहने हुए थे अब इस क्वेश्चन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी किस्म का लॉस हो सकता है अब इसका हल क्या है नंबर वन आप बेयर फुटेड ना हो नंबर वन शूज़ पहने नंबर टू जब भी आप बेयर केबल को हाथ लगाएं जो केबल बिल्कुल ऊपर से उसका कवर उतरा हुआ है तो आपने अपने हाथ के साथ उसको टच नहीं करना ग्लव्स जो पहनने हैं लेदर के उसके बाद उसको टच करना है ये इसकी प्रिकॉशनरी मई है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट दैट लैक्स द लेबल फॉर सेफ्टी इंस्पेक्शन सेफ्टी इंस्पेक्शन के ऊपर वहाँ लिखा नहीं होता केबल के ऊपर आपने उसको अन इंटेंशनी टच कर लिया नंबर थर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट हैज़ नॉट बिन प्रॉपरली ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं है या उनको आपने ग्राउंडेड कर दिया दोबारा से मशीनरी का हिस्सा यूज नहीं हो रहे लेकिन वहां पे वो यूज हो रहे थे किसी प्रोडक्ट्स के लिए अब जो क्वेश्चन पैदा होता है है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रिक केबल हो इनकी इक्विपमेंट्स के जो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो अपने पहन के उनको टच करना है उसके एक रीजन है सम टाइम किसी किस्म की हैजर्ड्स की वजह से तो आपको इंजरी होती है लेकिन यहां लाइफ हो सकता है जिंदगी जाने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स कैन लीड्स टू शॉर्ट सर्किट फेलियर ऑफ इक्विपमेंट किसी इक्विपमेंट की प्रॉपर जो वर्किंग है वो नहीं हो रही उस वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पर आग लग सकती है वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और डैम्प फ्लोर अदर सोर्स ऑफ वेटनेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज यूजिंग मेटर लेडर टू वर्क ऑन अलेक्ट्रिकल इक्वमेंट ये चारों जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हैज़ट्स हैं अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आगे जाके मैं आपको इसका पिकटोरियल इफेक्ट भी दिखाता हूँ लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एस ओ पीज इलेक्ट्रिकल इक्वमेंट के मुताबिक है इनको कम्पेरिटिवली स्ट्रिक्टी फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पर इंसानी जान के जाने का भी ख़तरा है वर्किंग ऑन electrical इक्विपमेंट विदाउट एंड शोरिंग दैट दी पावर हैज़ बिन शर्ट ऑफ आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ नहीं किया स्विच से ऑफ नहीं किया प्रॉपर जो उसकी मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं किया और आपने उसको हाथ लगा दिया या लोहे की चीज लगा दी या केबल आपकी उसके ऊपर से कवर उतरा हुआ था उसको टच कर लिया तो ये बहुत बड़े लाश का बायस आप बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल है दिस इज अन प्रैक्टिस एंड दिस इज अ सेफर प्रैक्टिस लेट्स सी दी एग्जाम्पल Wire wet floor here here wet floor here insulated वायर and dry floor insulated वायर with dry आप जहाँ पे खड़े हैं खुश्क है नीचे फ्लोर आपका तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे प्रॉब्लम होने के लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी वायर भेद है कोटेड नहीं है और नीचे फ्लोर भी गीला है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं यहाँ पे डी ये देखें इसी तरह पावर ऑन मेटल लेडर जो आपकी सीटी है वो मेटल दांत की है लेकिन पावर ऑन है इलेक्ट्रिसिटी ऑन है आपकी ये देखें पावर ऑफ वुडन लीडर लकड़ी की लकड़ी है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं है ये एक पॉजिटिव साइन है और वुडन के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी रादर देन मेटल लेडर तो इन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है जिनकी मदद से हमें आइडिया होता है कि क्या हम लोग सेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सेफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हैजर्ड्स ये बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स में ही आते हैं आर्क एंड स्पार्क्स हैजर्ड्स कम्बन एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल लाइटनिंग हैजर्ड्स इम प्रॉपर वायरिंग इंसुलेशन फेलियर इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो केबल आपने डाली वायरिंग करते वक्त उसको प्रॉपर कोटेड नहीं है या प्रॉपर उसकी जो रिक्वायर्ड लेवल है फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यूज़ होती है सेवन उनतीस सेवन उनतीस एक केबल की थिकनेस को शो करती है और यह मैं बताती है कि ये या तीन उनतीस अब यहाँ पे जो तीन उनतीस है ये भी एक केबल की किस्म है यह इसके अलावा और भी कई इकसाम है जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक केबल जितना लोड बर्दाश्त कर सकती है उससे ज़्यादा उसे काम ना लिया जाए जब उससे ज्यादा काम लेंगे तो चांसेस है वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है द ग्रेटेस्ट डेंजर टू ह्यूमन सफरिंग इलेक्ट्रिकल शॉक रिजल्ट फ्राम करंट फ्लो उसमें से जो करंट गुजरती है फॉर एग्जाम्पल आपने ए सी घर में लगाया हुआ है एयर कंडीशनर अब उसके लिए स्पेसिफिक एक मोटी केबल आपको रिक्वायर्ड है लेकिन आपने केबल कम जो क्वांटिटी वाली है कम प्राइस वाली है या चीपर है वो यूज की है जब उसके ऊपर लोड आएगा उसमें से करंट का फ्लो गुजरेगा तो चांसेस है शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है आग लग सकती है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है तो ये दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके लिए डी स्टूडेंट्स मैंने लिखी हैं इनका मकसद यही है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने क्वालिटी क्वान्टिट्टी प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स अ सर्किट टेस्टर इज एन इनएक्सपेंसिव पीस ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट विद टू wires लीड्स कैप्ड by पॉब एंड कनेक्टेड टू द स्मॉल बल्ब वो circuit टेस्ट दैट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर्कट टेस्ट सर्कट को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक बल्ब रखा होता है आगे एक केबल लगाई होती है वो केबल के दोनों जो उसकी केबल्स हैं उनको उसमें लगा के चेक किया जाता है कि वायर के अंदर से जो बिजली है एलक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो है कि नहीं अगर फ्लो नहीं है तो वहाँ से हमें चेक हो जाता है इसकी मदद से

अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ओपन ग्राउंड अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको समझ सकते हैं लेकिन आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ यहाँ पे वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है आपने तो उसके सर्किट्स उसके स्विचेस उसके प्रॉपर वो टूल्स अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो मुतलका हिस्सा शट डाउन हो जाए बिजली ऑटोमेटिकली चले जाए इस किस्म की डिवाइसेस का यूज़ आपने करना है अगर इनका यूज़ नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक हैजर्ड को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके तो वहाँ पे जो मुकम्मल उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना लाजमी है जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स आसानी से आप इनको अचीव कर सकते हैं